रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा फॉर ट्रांजिस्टर। अगर कोई ट्रांजिस्टर है हम लोगों के पास, तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है वो हमें निकालना। हम सबको पता है कि बीटा जो होता है वो कॉमन इमीटर में, कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन जो होता है, कितनी टाइम्स करंट बढ़ गया है वो IC अपान IB होता है, और जो अल्फा होता है वो होता है IC अपान IB। IC अपान IE। तो यहाँ से IC जो बीटा होता है IC अपान IB, और जो अल्फा होता है IC अपान IE डिफाइन करते हैं। तो ये अल्फा बीटा हमें पहले से पता है। अब इनमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए हम सबको पता है कि जो IC जो IE मीटर करंट जो होती है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी IC अपान IB के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से IC और IB की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो IE माइनस IC। तो यहाँ से अगर ऊपर नीचे IC से डिवाइड कर देते तो IC और ये आ जाएगा IE, और डिवाइड कर दो 1 और माइनस IC। क्या कर दिए, IB की वैल्यू IE माइनस IC, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से IE IC और ये यहाँ से हमें क्या निकालना था, बीटा निकालना था ना। यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, बीटा निकालना था, तो बीटा की वैल्यू जो है वो IC अपान IB है। तो IB की वैल्यू आ जाएगी इमीटर करंट कलेक्टर और बेस के इक्वल है, तो ये इन दोनों को सम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से, हाँ चलो यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से। अब इसको अल्फा से रिलेट कर देते हैं, तो यहाँ से IE जो है, IE की जो वैल्यू आ जाएगी वो IC अपान अल्फा आ जाएगा। रख देते हैं यहाँ से सारा, तो यहाँ से IC और IC, IE की वैल्यू आ जाएगी IC अपान अल्फा और माइनस IC। तो IC यहाँ से कॉमन आ गया और अल्फा चला गया ऊपर, अल्फा चला गया ऊपर, और 1 माइनस अल्फा, दिस इज द बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा और 1 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, दैट इज बी ऑप्शन सही है। अगर ऐसे नहीं आता है, देखो वैसे तो तुम्हें रिलेशन याद कर लो। याद करने का एक तरीका, आसान तरीका बता देता हूँ प्यारे बच्चों, उसको तुम याद कर लो। अल्फा के बाद बीटा आता है, अल्फा के बाद बीटा आता है, और 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर देना। अल्फा याद रखो, अल्फा के बाद बीटा आएगा, ए के बाद बी आएगा ही, तो अल्फा के बाद बीटा आता है 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से भी बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा और 1 माइनस अल्फा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा और 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन याद है, तभी भी अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल सकते हो, ये वाली चीज़। चलो, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको इंजॉय किए होंगे। इतने सारे हमने कॉन्सेप्ट PN जंक्शन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए। अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट आप कैच कर लोगे, पकड़ लोगे, उसको समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन को, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी यार नीट JEE मेन्स एडवांस, मतलब जो भी मैं सीरीज बना रहा हूँ, अगर उसके क्वेश्चन देख लोगे तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा खुश रखो, मतलब खुश रहो, और दूसरों को भी खुश रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, और ढंग से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।